मैं उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर जिला बोल रहा हूँ। मेरे जिले का इतिहास बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। उनके पिता सुदोधन की राजधानी कपिलवस्तु इसी जिले में है। इस जनपद का नामकरण गौतम बुद्ध के बाल्यावस्था के नाम राजकुमार सिद्धार्थ के नाम पर हुआ। मेरे अंदर निवास करने वाले लोग बहुत ही भाग्यशाली है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर यह वीडियो आप सिद्धार्थनगर के आसपास से देख रहे हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मेरे अंदर प्रसिद्ध घूमने की जगह बुद्ध विहार पार्क सिद्धार्थनगर। बुद्ध विहार पार्क सिद्धार्थनगर का एक सुंदर पार्क है। यह पार्क सिद्धार्थनगर के मुख्य नोहगढ़ में स्थित है। यह पार्क आपको बहुत सुंदर लगेगा। पार्क के अंदर आपको बहुत सारे फूल वाले पेड़ पौधे देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे झूले भी लगे हुए हैं। इस पार्क को मेंटेन में अच्छी तरह बनाया गया है। इस पार्क में आपको गौतम बुद्ध जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा देखने को मिलेगी। यह पार्क DM कार्यालय के पास स्थित है। यह पार्क मुख्य सड़क में स्थित है। आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हो। राजकीय अलंकृत उद्यान सिद्धार्थनगर। राजकीय अलंकृत उद्यान पार्क सिद्धार्थनगर का एक प्रमुख स्थल है। इस पार्क को सिद्धार्थनगर गार्डन के नाम से जाना जाता है। यह पार्क सुंदर बगीचे में बना हुआ है। यह पार्क बगीचों का विभिन्न प्रकार के फूलों से भरा हुआ है। जहां पर आप जाओगे तो बहुत सुंदर लगेगा। पार्क बहुत अच्छा है। जहां पर घूमने के लिए लोग आते रहते हैं और हरियाली से चारों तरफ भरा हुआ है। यहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं जहां पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाण गंगा बैराज सिद्धार्थनगर। बाण गंगा बैराज सिद्धार्थनगर का एक सुंदर स्थल है। यह आपको जलाशय देखने को मिलेगा। यहाँ आपको पार्क भी बना हुआ मिलेगा। यह पार्क बहुत सुंदर लगता है। बाण गंगा जलाशय बाण गंगा नदी पर बना हुआ है। यह नेपाल शहर की प्रमुख नदी है और यह नेपाल शहर से आती है। जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हो और पार्क में बहुत एंजॉय कर सकते हो। इस पार्क में जलाशय का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। यह सिद्धार्थनगर के सोहरतगढ़ में स्थित है। सोहरतगढ़ पैलेस सिद्धार्थनगर। सोहरतगढ़ पैलेस सिद्धार्थनगर का एक प्रमुख स्थल है। यह बहुत सुंदर है। यहाँ पर आपको एक महल देखने को मिलता है। यह महल देखने में जबरदस्त लगता है। यहाँ पर जो यहाँ के राजा थे उनकी बहुत सारी तलवारें देखने को मिलती है। जहाँ आप गार्डन भी देख सकते हो जो बहुत सुंदर लगता है। यह महल सिद्धार्थनगर के सोहरतगढ़ में स्थित है। आपको यहाँ पर खूब सारी तस्वीरें देखने को मिलेगी जिससे आपको हिस्ट्री के बारे में नॉलेज मिलेगा। भारत भारी मंदिर सिद्धार्थनगर। भारत भारी मंदिर सिद्धार्थनगर का एक प्रसिद्ध और प्रमुख मंदिर है। यह सिद्धार्थनगर के गुमरियागंज ब्लॉक में स्थित है। यहाँ आपको एक तालाब भी देखने को मिलेगा। तालाब के तारों ओर आपको सुंदर मंदिर देखने को मिलेगा। शिव भगवान जी को समर्पित मंदिर बना हुआ है जो कि बहुत सुंदर लगेगा। मंदिर में शिवलिंग भी विराजमान है। यहाँ आपको हनुमान जी का मंदिर देखने को मिलता है और काली माता का मंदिर भी देखने को मिलता है। तालाब सुंदर दृश्य बहुत अच्छा लगेगा। इस एक हफ्ते पर यहाँ पर एक मेला भी लगता है जहाँ पर दूर दूर के लोग आते हैं और शामिल होते हैं मेले में। यहाँ पर आपको बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हो। प्राचीन बौद्ध स्थल कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर। प्राचीन बौद्ध स्थल कपिल वस्तु सिद्धनगर जिले का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यह स्थल देश और विदेश से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देश और विदेश दोनों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। यह स्थल भगवान गौतम बुद्ध की जन्म स्थली। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपने बचपन और युवावस्था का समय बिताया था। यहाँ पर आप बहुत बड़ा गार्डन भी देखने को मिलेगा जहाँ आप मंदिर स्तूप विहार भी बनाए गए हैं। यह अभी बहुत सुंदर है। यहाँ पर प्रवेश के लिए एंट्री फीस लिया जाता है। यहाँ पर भारतीयों के लिए एंट्री फीस 25 रुपए है और अन्य विदेशियों नागरिकों के लिए 300 रुपए लिए जाते हैं। इस जगह को आप घूमने के लिए आ सकते हो जिसे पिपरवा स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। यह पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। तो दोस्तों, मेरे सिद्धार्थनगर जिले के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी पसंद आई है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।